हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डीडीपी डिस्क के बारे में। अगर आप भी डीडीपी डिस्क के ग्राहक हो, एमपीजी 2 और एमपीजी 4 सेट हो, उसके बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली गाइस। बट उससे पहले यार, हमारा चैनल बननी है यार, चैनल को भी सब्सक्राइब बांट देना ताकि हम जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पर पहुँच जाए। तो आप सब लोग गाइस सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और 1K करवा दो यार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दे। सो गाइज, मैं बात कर दूं कि हमें न्यू चैनल कब से देखने को मिलने वाला है। एमपीजी 2 में एक स्लॉट के लिए ई ऑक्शन होगी, 77 ई ऑक्शन, जो होगी 28 तारीख को, और उसको सबमिट करने होंगे चैनल 27 तारीख से पहले पहले होने चाहिए। तो 27 तारीख के बाद में कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएगा चैनल, तो पहले ही करना होगा, जो भाग ले सकता है एमपीजी 2 में एक स्लॉट। तो देखते हैं कौन सा चैनल भाग लेता है। और एमपीजी 4 के लिए 78 ई ऑक्शन होगी, वो होगी 30 को, जो चैनल पार्टिसिपेट करने वाला है उसको भाग लेने के लिए गाइज 29 तारीख को सबमिट करानी होगी एप्लीकेशन। तो जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी, एमपीजी 4 में हमें 4 देखने को मिल जाएंगे न्यू चैनल। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अच्छे चैनल देखने को मिलने वाले, तो इन 4 चैनल को तो छोड़ दो आप, क्योंकि ये चारों चैनल अच्छे देखने के मिलते हैं। तो ये एमपीजी 2 में ही भाग लेंगे, एमपीजी 4 में नहीं लेने वाले, क्योंकि एमपीजी 4 में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए एमपीजी 4 में हमें ये चैनल देखने को नहीं मिलने वाले। अगर मिलेंगे तो कुछ स्लॉट चेंज करेंगे इधर उधर और एमपीजी 2 में आएंगे, और जैसे ही आएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तब तक आप किसी भी पर भी भरोसा मत करो कि एमपीजी 4 में ये चैनल आएंगे वो आएंगे, तो मैं एकदम 100% खबर देता हूँ। और हाँ गाइस, हमारे जल्द से जल्द 1K करवा दो ताकि Q&A वीडियो भी जल्दी आ जाए और कॉलेज वीडियो भी आ जाएगा दयाल गाटी के साथ। तो थैंक यू, टाटा, गुड बाय बाय।